निशा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं एक शादी अटेंड करने के लिए मेरे मामूसा के गांव, वहां पर है शादी जो हम लोगों को अटेंड करनी है। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और जाना है हमें खरगोन जिले में, तो मिनिमम 5 घंटे तो लगेंगे। तो अभी हम लोग निकल गए हैं, देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। और मेरे साथ में है हुक्म, हम दोनों जा रहे हैं। अभी हम लोग हैं रास्ते में और लिम्बोदी से हम लोगों ने लिया है राहुल को, और हमारे साथ में है सचिन भी। राहुल ने गाड़ी वहीं पर, हम लोगों ने गाड़ी तो वहीं पर पार्क कर दी है और राहुल ने अपनी गाड़ी में लेकर आया है। तो साथ में और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है हमारे साथ में श्रीराम फाइनेंस के हेड सचिन सिंह शेखावत जी। तो मैं मिलवाती हूँ आपको उनसे। जय माता जी की हुक्म आप सभी को, और जो है और आज मासी से हुक्म, मासू से हुक्म के साथ में जाने का सौभाग्य मिल रहा है विवाह उपलक्ष में। और मासी से हुक्म के मामूसा के यहाँ पे बड़े खुश नजर आ रहे हैं हमारे मासी से हुक्म और मासू से हुक्म भी। और इंडियन आयल का भी आयोजन है दोपहर के बाद में वहाँ पे। यहाँ पर आए हम लोग नाश्ते के लिए, क्योंकि सुबह जल्दी निकल गए थे तो ये सब लोग बोल रहे नाश्ता करके निकलते हैं, तो बस नाश्ता करके अब यहाँ से निकलेंगे हम लोग। ये हमारे दादी भाभी साहब यहाँ पर मिल चुके हैं, जो 2 दिन पहले ही आ चुके थे ना भाभी साहब। आज सुबह का प्रोग्राम मेरा तो मिस हो चुका है, गंगा पूजन का जो था, अभी हवन वगैरह चल रहा है तो गर्मी में हालत देखिए। क्यों दादी भाई मजे आ रहे हैं गर्मी के? ज्यादा आनंद आ रहा है की गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ही ज्यादा। हाँ जी जा आगे सा हुक्म फरमाओ, कैसे हो आप? सब लोग चले जाते हैं कैमरा देख कर गायब। ले ली ना, आ तो गए ना, अब 4 बजे के निकले फिर भी इतना टाइम हो गया। जमई साहब है आपके, सचिन है, राहुल है। चलो हरि ओम फाइनली हम लोग पहुंच गए शादी वाले घर पर, और इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है, और गंगा पूजन का भी कार्यक्रम था तो वो तो निकल गया है क्योंकि मॉर्निंग का था, और अभी हो रहे हैं हवन। राहुल तुझे लगे कि नहीं टेस्टी पोहे? अच्छा अच्छा आइडिया विचार आएंगे। बिल्कुल। ये देखिए हमारी समर सीजन की दुल्हन इतनी परेशान हो गई है सब पहन पहन का। मेरी शादी तो गर्मी में निकली, आपको ही मत गर्मी में करना। नींबू पानी नारियल पानी पी पी के परेशान हो रहे हो, नहीं कोई मेकअप नहीं कोई ड्रेसअप कुछ नहीं मिल रहा है। और प्रोग्राम में पहने थे इसने तो जैसे प्रोग्राम हुआ चेंज कर लिए है और बिल्कुल नॉर्मल साड़ी में आ गई है, बिल्कुल हम लोगों की तरह नॉर्मल बनी हुई है ना मोना। क्योंकि शाम को आ जा आने आई वाले प्रोग्राम में हमें सजे धजे दिखेंगे दुल्हन की तरह। फाइनल दुल्हन ही बनेगी अब तो, और क्या, लास्ट प्रोग्राम हुई, लास्ट प्रोग्राम हुई। हाँ, बारात शाम को है, शाम की शादी भी है, तो बस बारात आ जाएगी तभी दुल्हन दुल्हन सजेगी। अभी तो देखो ये क्या, बस आधा सिंपल नारे पानी एंजॉय कर रहे गर्मी।
एक्चुअल में बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पर ना, खतरनाक वाले गर्मी, इतने एक्सेप्ट बीमार की गर्मी है तो पता तो पड़ेगी। सही है, चल फिर तू यार नारियल पानी नींबू पानी सब ले, बारात आने वाली है फिर शाम को, है ना। बारात आने की तैयारी हो रही है और यहाँ पर दुल्हन को नहलाया जा रहा है, उसके बाद में रेडी करेंगे। धूप में आ गए हो आप, राहुल देखो छाव में आया है, बढ़िया बढ़िया। पहला आ चुका है और उसको बना रहे हैं, यहाँ बड़ी क्यूट लग रही है बिल्कुल दुल्हन जैसी। और ये हमारे छोटे बुआ सा, ये छोटे बुआ सा होगा। वाह यार आरती, बड़े अच्छे तैयार हुए हो आप तो, अच्छे लग रहे हो। रात को भी ऐसे हुए, क्या बात कर रहे हो, रात को मैंने मिस कर लिया। डांस डांस करा बड़े प्यारे गाने पर करा था ना डांस, सबने अच्छे अच्छे गाने पर करा, बन जाने है ना। सेम ड्रेस पहनी है ना। ये दूल्हे राजा के लिए कमर कलेवा रेडी है। अरे भैया डिमांड हो रही है, कम से कम 10,000 तो होना चाहिए। सबसे बढ़िया मैं क्या बोल रही हूँ, मोबाइल ले लेना क्या, डोसा का मोबाइल सबसे बेस्ट रहेगा, है ना। हमारे भाभी साहब कम कर रहे हैं मोना को रेडी, ओढ़नी नहीं दिख रही उसको, गुड लुकिंग भाभी साहब का, अच्छा लग रहा है। थैंक यू।
जाएंगे वो माता पूजा जगह कहाँ पे ना, वही तो बोल रहे कितने बड़े लग रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बैठे जाओ स्टेज रेडी हो चुका है दूल्हा दुल्हन के लिए। तो शादी अटेंड करके हम लोग निकल गए वहाँ से। एक्चुअली पूरी शादी तो अटेंड भी नहीं कर पाए क्योंकि केवल लगन ही लगे थे और हम लोगों ने खाना खाया, बाकी फेरे बाकी थे और स्टेज प्रोग्राम भी बाकी था, वो अटेंड नहीं किया। अगर वो अटेंड करते तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते। अभी भी कितने एक बज रहे हैं, रात के 1 बज रहे हैं और अब पहुँचे हैं हम लोग इंदौर और इतने थक गए हैं कि बता नहीं सकती। और वहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, मैंने तो ड्रेस तक चेंज नहीं की वहाँ पर कि ठीक है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पर एंड। ब्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए खमागनीसा।